इसके साथ में आज भयंकर चोट हुई, रिद्धि ने नीचे पोटी कर रखी थी, ये उसी के ऊपर जाके चढ़ गई। आपको हंसी आ रही है? इतनी चीज़ थी। तो अभी मैं आई हूँ ऊपर छत पे और आप मेरा थोड़ा हुल्ले देख रहे हो, हल्का सा मेकअप है क्योंकि मेरा एक शूट था, शूट मतलब एक वीडियो शूट करनी थी जो आप अभी तक देख चुके होंगे हॉल वीडियो। तो मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, ये तब से पीछे पड़े थे, बट मैं सुबह से आज वीडियोस में लगी हूँ, मुझे कई वीडियो शूट करनी थी वो करी है ना। अब मैं ऊपर आई हूँ, पर ये और निको भाई साहब दोनों बच्चों को लेके आए थे, निको भाई साहब फोन पे लगे हैं, ये दोनों बच्चों को लेके बैठे हुए हैं, अभी देखा मैंने। ये दो उंगली हमेशा मुंह में लिए रखती है, गंदी हट, गंदा बच्चा। जी छोड़ भाई, बाहर हो रही है मस्त बारिश, इसलिए हम आ गए अंदर। छत पे ही बारिश शुरू हो गई, मैं होगा लेट लती बस ना, देखो बांध रहा मैं। देखो ये दो पागल, दो प्रेमी दो पागल। और सुई करा था, चल अंदर घुस, अरे बीमार हो जाएगा। ये मेरे रुद्र की पहली बारिश है क्या? इधर आजा बेटा, अंदर आजा। ये हमारे रुद्र की और रिद्धि की पहली बारिश है, पहली बारिश है जी, पहली बारिश है, खुश है जमाना आज पहली बारिश है। मस्त बादल हो रहे हैं, पर बारिश वो वाली बारिश नहीं हो रही है, हल्की फुल्की हो रही है बारिश, जस्ट अभी बंद हुई और मेरी रिद्धु को इतना मजा आ रहा है ना, मतलब चिल्ला चिल्ला के खेल रही है। बच्चे को खुली हवा में अच्छा लगता है, पर क्या मुझे टाइम ही नहीं मिलता पूरे दिन। और मुझे ऊपर आना छत पे, मैंने कुछ ड्रेस पहन रखी थी शूट के लिए, तो मैं फटाफट मैंने चेंज किया और मैं छत पे चेंज करके आई, कुछ भी मेकअप वेकअप कुछ नहीं उतारा, कानों वगैरह में से इयररिंग्स कुछ नहीं उतारे फटाफट, क्योंकि जब तक मैं ऊपर आती तो अंधेरा हो जाता, तो इसलिए मैं मौसम मिस नहीं करना चाहती थी। मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। इसके साथ में आज भयंकर चोट हुई, रिद्धि ने नीचे पोटी कर रखी थी, ये उसी के ऊपर जाके चढ़ गई। आपको हंसी आ रही है? इतनी चीज दिखी नहीं तेरे को? आज मेरे पास रिद्धि थी, राघव आपको लेना नहीं आएगा बेटा, गिर जाएगी वो, ध्यान रखना है। हाँ भाई, चुप रहो। चमक छई, छई छप छई, छपा के छई, पानी अपने छींटे उड़ाती हुई लड़की, पोटी में भरे अपे देखी किसी ने। आज भाई मस्त मौसम हो रहा है, मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश भी हो रही है छोटी छोटी, इस बच्ची ने मेरे को, बच्ची ने तो सही जगह करी थी, मैडम को ही नहीं दिखा, यही मेरी गोदी में थी, इसी के चक्कर में दिखा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। बस मौसम हो रहा है, मैं फटाफट चेंज करके आई ताकि मैं इस मौसम को मिस ना कर दूं, क्योंकि अभी 7 बजे ने, अगर मैं ज्यादा चिक चिक पिक पिक करती तो ये मौसम मिस कर देती। भाई मौसम देखो क्या मस्त हो रहा है, बच्चों के साथ मौसम में, ओए हाय या जो बादली है आई बरस रही है टपा टप, और ये दो जंगली, ये सबसे बड़ा जंगली है, ये तो फिर भी सीधा बच्चा है हमारा। कभी हरसू हम भी कूदा करते थे ऐसे ही छोटे थे, तब जब हम छोटे थे हरसू से भी छोटे थे ना हम, हरसू तो ये नहीं दिख रही तेरे को, ये ऊपर सीढ़ी के ऊपर, ये इसके ऊपर यहाँ चढ़ा करते थे ऊपर टॉप पे, और फिर वहां से हम यहाँ नीचे कूदते थे, देख ले, और हमने खूब पैर तोड़वाए वहां से कूद कूद के यहाँ से। नई शिक्षा मत दो, पहले कूद से। नहीं बेटा कूदना नहीं है। जय श्री राम रिद्धि, ए वे तो, अरे जय श्री राम बच्चों, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ मेरे टिंगो, आओ भाई गब्बर, उठ गया बेटा तू भी, जय श्री राम मम्मी। हाँ भाई अरसू, और कितने चली है गोभी दा फूल बन के, बीकानेर चली। हाँ भाई अरसू, कितने चला जयपुर, जयपुर गया बीकानेर, क्यों यार जाना पड़ेगा।
ओके भाभी, ओके 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 बेटा, चलते हैं चलते हैं चलते हैं। ओके ठीक है भाई, ठीक है। दो तीन दिन बड़ा अच्छा मौसम रहा, अब फिर से वापस वही धूप धाप शुरू हो गई। अब मानसून का इंतज़ार है राजस्थान में, हमको इंतज़ार हो नहीं हो, हमारे गब्बू को ज़रूर है, इसको बड़ा अच्छा लगता है पानी में। गर्मियों के अंदर इसके बड़े बुरे हाल हो जाते हैं, पर अब बारिश के मौसम में भी इसके बड़ी दिक्कत हो जाती है, इसके फंगल इन्फेक्शन की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, आज सभी लोग तैयार हैं सुबह पहले ही, रवार बज रहा है सुबह का 7:30। सभी लोग का मतलब है खाली मुंडो धो रही है और खाली कपड़ा पहन रही है। निकू माँ की तैयार है ना धोकर, और हर्षु माँ को तैयार है ना धोकर। अरे हमारे दोनों गुंडे उठ के आ गए, तैयार हो गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, पहले ही कर लिया भाई, जय सिया राम, जय सिया राम। ये हमारा कोठा, भीम चट्टा भीम चट्टा भीम। रानी को ऐसे जा रहे हैं वापस बीकानेर, तैयारी हो रही है सब, हम बहुत मिस करेंगे भाई। फुल तैयारी हो चुकी इनकी, और अभी 8 बजे की बस है, अभी बज रहे हैं 7:30। सामान वामान डालो भाई, चलो बैग रखो भाई। मेरे निक्कू यहाँ पे थी तब तक रिद्धि को खूब खिलाती थी, रुद्र को भी खूब खिलाती थी, यहाँ पे रिद्धि को खूब खिलाती थी। हाँ भाई, मैं तो रिद्धि को खिलाती हूँ, इसको पकड़ो, ये मेरी लाडो बेटी है, अरे ओके पकड़ो, ये 2 मिनट ले लेगा, फिर छोड़ इसको, इसको इतना ही चाहोगे बस, खाली 2 सेकंड का पकड़ो 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 पकड़ो, ये छुचू कर देगी, ये नहीं नहीं अभी अभी करेगी, छोड़ लो 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 पकड़ो, चल कर दे इसके रुद्रा। अब जब वापस निकू आएगी तब तक ये चलने भी लग जाएंगे, दौड़े आएंगे ये पे आएगी फिर बाद में। तो आज ये बीकानेर जा रहे हैं, अबे हमारे निकू ऐसे जा रहे हैं, और जाने से पहले जब बहन बेटी जाते हैं तो थली पूजते हैं, बहुत पुरानी रस्म है ये, परंपरा है, तो अभी थली पूजाएंगे निकू ऐसे को, इसमें घास धूप बोलते हैं इसको, धूप, ये गुड़े मीठा मुँह करने के लिए पानी, और ये कुमकुम और रोली और वो है चावल। आ जाओ निकल सर, साथिया और क्या मानते छाबड़ी, साथिया और छाबड़ी मानते, हम बहुत मिस करेंगे हर्षु को, इतने पीठा मुकर हर्षु के साथ साथ दोनों बच्चे भी बहुत मिस करेंगे अपनी बुआ चा को, अपने बुआ चा को मिस करेंगे भाई। उठो भाई, ये क्यों ऐसे, यार मेरे को रुद्र को ले जाने का मन करता है, रिद्धि को नहीं ले जाना ना, क्यों दोनों को ले जाने, ये शैतान है क्या, ये लड़की, ये रिद्धि शैतान है इसलिए, ये रिद्धि तो चांद की टकरी चल रही है, तो चलो साथ चलेगी, मेरी मेरे साथ बीकानेर चलेगा, दीदी साथ छोड़ने जा रही है बुआ को, निकल सर है साथ लेके, इसको मत जाओ, मेरा जी अटक जाएगा, रुद्र भी ठीक है, हाँ चलेगा क्या, चल आराम से, तू तू चलेगा क्या बता दे, मैं साथ बीकानेर चलेगा क्या बता दे, मेरा घोटा इसको ऐसे घोटा सा कर लूंगी, घोटा रोटी लगनी वहाँ पे, बढ़िया बाजरे की रोटी, बढ़िया घी डाल, फौरन लड्डू लाडू जैसा कर दूंगी, का लाडू चल, कपड़े फिट नहीं आएंगे फिर, मेरे साथ चल लेना, मेरे साथ टुन्नो बेटा, मेरा लाडू बेटा
देख रही और जब मम्मी साथ तैयार फुल तैयार फुल तैयार मम्मी से थोड़ा भी करे लाइक तेरा मम्मी से फुल तैयार और इधर मामा तो मैं और रिद्धि भी निकवाइसो को छोड़ने आए हैं और हम लोग इतनी जल्दी आ गए मतलब सुबह से बिल्कुल भीड़ नहीं है हमारे घर से ही यहाँ सिंधी के पारे में 20 मिनट लग जाते हैं और अभी सुबह हम 8 बजे निकले 8:06 पे तो हम पहुँच गए यहाँ पे और अभी आधा घंटा हम सोच रहे क्या करें तो ये पानी की बोतल और हर सुबह चिप्स विप्स लेने गए हैं इसके बाल पकड़ दे इसको भी मजा आता है अर्शु को अपना सर देता है इसको ये इसके बाल पकड़ती है फिर अरे गला से पकड़ ले नहीं तोड़ ली देख बाल देख और राम अर्शु हटा मुंह में लेगी वो हटा ये निको वैसे की बस बीकानेर लिखा हुआ है इस पे बाय बाय करते बुआ को बाय बेटा क्या इसकी अभी भी नजर चिप्सों के ऊपर यहाँ दिलाता तो मस्ती है बाय 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 अर्शू खिड़की नहीं खुलती अभी अंदर बस में बैठा बैठा बोल रहा है बोले चिप्स चाहिए मेरे को ले भाई साहब एक चिप्स देनी ये वाली ये इसे ले 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 तू क्या देख रहा है बाय बाय हेलो बाय बाय तो निको ऐसा ना रिद्धि को खिड़की में से जब देख रहे थे ना विंडो में से तो रोने जैसे हो रहे थे अभी हो ही जाता है उनका कि ज्यादा ही मन था वो पूरे दिन पता है बच्चों को खिलाते थे उनका निको का सबसे ज्यादा यही था वो बच्चों को भोजन खिलाते थे तो हमारी इतनी हेल्प हो जाती थी तो रिद्धि को देख के उनका मन ऐसे हो रहा था भारी भारी सा कोई नहीं वापस आ जाएंगे है ना रिद्धु वो भी रह जाएगी हमारी रिद्धु को भी कोई मतलब नहीं है दुनियादारी देख ली पानी है रिद्धुड़ी फुल फोकस है इसका टीवी में